हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो पार्ट में चलो पढ़ते हैं हम लोग एनसीईआरटी एग्जांपल्स जो कि पार्ट टू वीडियो ऑन एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में ही डाउनलोड कीजिए एंड्रॉयड ऐप, यहाँ पे आप लोग लिंक देख पाओगे। तो पहला एग्जाम्पल कुछ ये रहा, यहाँ पे इन गिवन फिगर हमें फाइंड करना है द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, और हमें क्या गिवन है, ओ ए सी बी एक हमारा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मतलब एंगल, ओ बनेगा 90 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे जो मेन रेडियस है वो 3.5 है और ओडी लेंथ हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो ये शेडेड रीजन कैसे निकलेगा। तो इससे सोचने के बाद तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग कुछ एक ट्रिक लगाएंगे। कैसे, मान लो पूरा एरिया जो है, ये एरिया है हमारे यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, राइट। उस एरिया ऑफ सेक्टर में से हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, ट्रायंगल बी ओ डी, और हमें पता है ये क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री, सो एंगल ओ बनेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर बी ओ ए में से माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ डी। तो चलो मैं इसको यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, ऑलराइट। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला रिप्लेस कर दिया है, सेक्टर का हमारा रेडियस 3.5 है और यहाँ पे बेस ऑफ ट्रायंगल 3.5 और हाइट हमारा 2 सेंटीमीटर। तो उसको फर्दर सॉल्व कर देते हम लोग, ये बनेगा हमारा 4, यहाँ पे होना चाहिए हमारा ये 2 और 2 कैंसिल, और बाकी कुछ चीज़ें हमारे 20, ये बनेगा 2 और ये बनेगा हमारा 11, और 3.5 का स्क्वायर आएगा हमारा 3, 4, 12, ये बनेगा 12.25 डिवाइड बाय 2 माइनस, ये बनेगा हमारे यहाँ पे 3.5, राइट। अब यहाँ पे आगे हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो हमारे यहाँ पे आंसर कुछ ये निकल के आएगा, दैट इज व्हाट हमें यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, माइनस करना है हम लोग को यहाँ पे 3.5। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और हमारे यहाँ पे एरिया ढूंढ के निकालते हैं, राइट। और एरिया जो कि बन रहा है हमारे यहाँ पे 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो चलो यहाँ पे लिख देते 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि काफी सिंपल एग्जांपल था। तो चलो देखते हैं गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। तो इस वाले एग्जांपल में हमें क्या करना है, यहाँ पे गिवन फिगर ए बी पी सी हमारा क्वाड्रेंट है, ए बी पी सी हमारा क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे ए बनेगा हमारा यहाँ पे 90 डिग्री। सो आगे बोला कि रेडियस इज 14, मतलब ए सी या बी सी हमारा, ए बी हमारा 14 है, और यहाँ पे एक सेमी सर्कल भी दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये वाला सेमी सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, और बी सी उसका डायमीटर है। हमें बोला कि फाइंड एरिया ऑफ ये शेडेड पोर्शन का हमें एरिया फाइंड करना है, तो इसको कैसे करेंगे। तो गाइस आपको सबसे पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। तो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है दो चीजों के कारण, तो पहला पार्ट कुछ ये रहा, दैट इज व्हाट एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीबी, और दूसरा बनेगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इन दोनों का एडिशन मतलब पूरा स्ट्रक्चर। उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एसीपीबी, है ना। तो इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एसीपीबी, तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। तो चलो मैं इसको एक बार यहां पे लिख देता हूं। सो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला रिप्लेस कर दिया है और आप लोग देख पाओगे द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मतलब बनेगा टोटल एरिया। टोटल एरिया कैसे बनेगा, ये बनेगा 1/2 बेस एंड हाइट मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीबी प्लस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 1/2, 14 बेस 14 हाइट, ऑफ एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल इज पाई आर स्क्वायर बाय 2, बट इसका रेडियस पता नहीं, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो रेडियस के लिए हमें सबसे पहले डायमीटर बीसी फाइंड करना पड़ेगा, तो बीसी है हमारा हाइपोटेन्यूस ऑफ ट्रायंगल एसीबी, तो इसके अंदर हम लोग अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो हम लोग यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको यहां पे उसको लिख देता हूं, बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू बनेगा हमारा 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, और ये बनेगा हमारा 2 × 14 का स्क्वायर, बन गया हमारा बीसी यानी डायमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो बनेगा बीसी इक्वल्स टू √2 टाइम 14, ये बन गया डायमीटर, बट रेडियस होता है हाफ ऑफ दिस, तो ये बनेगा 7 टाइम्स, ये बनेगा हमारा 7 × √2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये रेडियस भी आ चुका है, तो यहां पे भी वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, और बाकी चीजें हमारे यहां पे एज इट इज। लेट अस टेक 1/2, 14 × 14, ये बन गया हमारा 22/7 × 1/2, और आर है हमारे यहां पे 7 का स्क्वायर इंटू रूट टू का स्क्वायर आएगा हमारा 2, ये बनेगा हमारा 4, ओके, और देन ये बनेगा हमारा यहां पे 1/4 × 22/7, और 14 का स्क्वायर आएगा
जाएगा 196। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं और आंसर ढूंढ के निकालते हैं। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद गाइस हमारा यहाँ पे कुछ आंसर निकल के आएगा एंड दैट इज व्हाट, ये बनेगा हमारा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन वाले सभी एग्जांपल्स में आपको कैलकुलेशन बहुत आसानी से करने हैं और इजी तरीके से करने हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे सिर्फ लॉजिक लगाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो देखते हैं गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो इस वाले एग्जाम्पल में हमें बोला है फिर से फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। और यहाँ पे क्या है, एक सर्कल है, यू नो इस सर्कल के अंदर एक पी के हमारा जो कॉर्ड है उसका लेंथ 24 है और आरपी है 7 और यहाँ पे एंगल पी इज एट 90 डिग्री। तो इस शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालोगे, ये भी हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, पूछा है सीबीएसई 2009 बोर्ड एग्जाम में। तो इसे फाइंड करने से पहले तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे जो कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल के आ सकता है। ओके, बट बिफोर दैट हमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए यहाँ पे रेडियस पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के अंदर हम लोग पाइथागोरस लगा के डायमीटर फाइंड करेंगे जो कि इस ट्रायंगल का हमारा हाइपोटेन्यूस है और डायमीटर के ऊपर से रेडियस पता चल जाएगा। तो चलो मैं इसको एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है बट हमें फाइंड करना है यहाँ पे डायमीटर। तो चलो इस साइड में हम लोग डायमीटर एक बार फाइंड कर लेते हैं। तो ये बनेगा इन ट्रायंगल आर पी क्यू, तो ये बनेगा हमारा आर क्यू का स्क्वायर, ओके इक्वल्स टू बनेगा हमारा आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा आर पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बनेगा हमारा यहाँ पे आर क्यू का स्क्वायर जो कि हमारा डायमीटर है। तो ये बनेगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू डायमीटर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और ये बनेगा हमारा 576 इक्वल टू डायमीटर का स्क्वायर। ये एडिशन बनेगा 625 इक्वल टू डायमीटर और स्क्वायर रूट लेंगे तो बनेगा डायमीटर इक्वल टू 25। तो रेडियस बनेगा इसका हाफ, दैट इज व्हाट 12.5 सेंटीमीटर। तो चलो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। तो ये बनेगा 22/7 इनटू ये बनेगा हमारा 12.5 का स्क्वायर और ये बनेगा हमारे यहाँ पे 12, तो ये बनेगा 84। ओके, तो चलो हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर यहाँ पे फाइंड आउट करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा फ्रैक्शन में, बट हम लोग थोड़ा उससे पहले एक स्टेप लिख देते हैं, दैट इज व्हाट, ये बनेगा 4523 बाय 28, ये बनेगा बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा तकरीबन पूरा आंसर यहाँ पे आ चुका है, द एरिया ऑफ शेडेड रिक्वायर्ड रीजन। ओके, तो चलो देखते हैं गाइस हमारा आज का लास्ट एग्जांपल, राइट। तो एग्जांपल कुछ ये बोला है, यहाँ पे भी हमें शेडेड रीजन ही फाइंड करना है। ओके, बट यहाँ पे जो अंदर वाला सर्कल है उसका रेडियस 7 है और जो बाहर वाला है उसका रेडियस 14 है। ओके, अब हमें एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन ये रेड वाला आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, ये भी हमारा एनसीईआरटी सवाल है और यहाँ पे एंगल गिवन है हमारा 40 डिग्री। तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये वाला सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, दैट इज व्हाट, एओसी, सेक्टर एओसी का हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे, राइट। अब उसके बाद में हम लोग क्या करें, इस सेक्टर के एरिया में से अगर हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर बीओडी माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ एबीडीसी, ये हमें मिलेगा, राइट। देन नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये आउटर रिंग का पूरा एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, मतलब ये पूरे रिंग का हमें एरिया पता चलेगा और उसमें से हम लोग एरिया ऑफ दिस रीजन दैट इज व्हाट एबीडीसी हम लोग माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ दिस रिक्वायर्ड फील्ड। तो जो मैंने यहां पे कहा है एक बार मैं इसको एक बार लिख देता हूं, राइट। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे एरिया ऑफ रीजन ए बी डी सी मतलब एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ सी में से एरिया ऑफ सेक्टर बी ओ डी माइनस करना है। तो चलो मैं एक बार फाइनल फॉर्मूला पे रिप्लेस कर देता हूं। तो ये बनेगा हमारा 40/360 बाय आर है हमारा 14 का स्क्वायर माइनस 40/360 बाय 7 का स्क्वायर। तो दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 40/360 इंटू पाए, 40/360 बनेगा हमारा पे 9, तो बनेगा ये हमारे पाए बाय 9 बनेगा कॉमन, तो अंदर में बचेगा 14 का स्क्वायर 196 और 7 का स्क्वायर हमारा 49। ओके, तो इनको भी सॉल्व करते हैं और हमारा यहाँ पे एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन हमारे यहाँ पे निकल के आ रहा है।
तो यहाँ पे जो हमारा आंसर निकल के आ रहा था ये बनेगा हमारा 154 अपॉन बन रहा था हमारा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन नंबर वन। अब ये वाला जो फील्ड है ये पूरे फील्ड का हम लोग एरिया निकालना है, मतलब ये रिंग का एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, ये पूरा रिंग यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो बनेगा आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक आ रहा है हमारा 14, दूसरा हमारा 7। तो अगर मैं पाई यहाँ पे कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा हमारा 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ऑलराइट। और इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा यहां पे निकल जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बनेगा इक्वेशन नंबर 2। अब गाइस इस पूरे रिंग के एरिया में से अगर हम लोग ये वाला ए बी डी सी का एरिया माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब कौन सा वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट छोड़ के हम लोगों का बाकी एरिया निकल के आ रहा है। तो इसको मैं एक बार हटा देता हूं ये वाला पार्ट छोड़ के, ओके ये वाला पार्ट छोड़ के, तो बाकी जो बच रहा है हमारा यहां पे निकल के आएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो कैसे, इस पूरे रिंग के एरिया में से इक्वेशन नंबर 1 यानी ABDC का एरिया माइनस करना है। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड फील्ड कितना आएगा, 462 माइनस ये बनेगा हमारा 154 अपॉन 3। तो इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा यहां पे रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा और ये कुछ अराउंड हमारा फ्रैक्शन में आना चाहिए। तो मैं इसको लिख देता हूं ये अंदाजे से 410.6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। तो ये हमारे एनसीईआरटी एग्जांपल्स हम लोगों ने कुछ यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो जरूर इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर।